अस्सलाम वालेकुम, ये मैं कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको बना सिखाऊंगी भिंडी कढ़ाई की रेसिपी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पाव हमने भिंडी ले ली, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। टमाटर है हमारे पास यहाँ पर 2 अदद और प्याज है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की और ग्रीन चिलीज है हमारे पास 2 अदद। इनको देखें, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, और यहाँ पे 3 अदद हमने साबुत मिर्चें ले लिया, नमक लेंगे हंसपे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और भिंडी को जो है हम कर लेंगे फ्राई। इसके बाद इनको फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। तो देखें, यहाँ पे हमने भिंडी को फ्राई कर लिया, इनको जब हम निकाल लेंगे तो इसमें जो है हम 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो देखें, प्याज को जो है हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया था 2 मिनट तक। देखें, प्याज जो हमारी सॉफ्ट सी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और अपने ये तीनों मसाले भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। तो अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। इसके अंदर जो हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए, उनको पका लेंगे। देखिए, हमने इनको 10 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो भून लिया था, हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम भिंडी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इनको, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इनको। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत, इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट तक जो हमने इनको पका लिया था। अब इसके अंदर हम साबुत मिर्च ऐड कर देंगे। साबुत मिर्च ऐड करने के बाद हमने इनको 2 मिनट और पका लिया था। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे अपनी, और ये बिल्कुल रेडी है, सब हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो आज की रेसिपी है भिंडी कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।